In this tutorial, we'll talk about types of models जो केरास में हैं, जो different type of models, और उनको हम लोग देखेंगे, उनके examples देखेंगे और वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ किन किन situations में इस्तेमाल होते हैं, उनका थोड़ा सा architecture भी देखेंगे. So let's get started. Keras sequential models, different type of models. So there are different type of models in Keras and major are in number in 5. So let's see what's the first one. Keras sequential model. As you know के सबसे पहला मॉडल जब अगर एक नया बंदा भी कोडिंग स्टार्ट करता है तो वो sequential model से ही स्टार्ट करता है. It's the bit easier one and it's good to start with your deep learning. So और इसके अंदर it's quite simple कि आप अपने मॉडल को instantiate करते हैं with sequential model itself and then आप उसमें add on करते रहते हैं layers को, different layers stack होती रहती हैं और it's a layered structure और with one input you can have one output. So इसमें एक issue है, वो यही है कि आप multiple inputs के साथ multiple outputs नहीं gain कर सकते, आपको single input के साथ single output ही मिलता है. So इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए functional models आगे आते हैं और ये models फिर उसकी जो sequential models नहीं कर सकते थे जो कि multiple inputs और multiple outputs produce करते हैं. So functional models का ये काम है जो कि केरास में सेकंड नंबर पे आ रहे हैं और इसमें आप इनपुट लेयर्स को भी डिफरेंट तरीके से एक दूसरे इनपुट लेयर्स को भी स्टैक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और एक दूसरे के साथ फंक्शन करवा सकते हो. सो लेट्स रीड दिस आउट. फंक्शनल मॉडल्स अलाउज यू टू डिफाइन मल्टीपल इनपुट्स और आउटपुट मॉडल्स. सो एज यू नो मैंने आपको पहले बता दिया कि मल्टीपल इनपुट और आउटपुट के साथ चलता है और द इनपुट लेयर टेक्स अ शेप आर्ग्यूमेंट दैट इज ट्रिपल दैट इंडिकेट्स द डायमेंशनलिटी ऑफ इनपुट डेटा. सो शुरू में इनपुट लेयर आपसे इनपुट्स का पूछ लेते हैं, लाइक इनपुट लेयर आप उसको शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं जिसमें आप उसको उसकी डायमेंशनलिटी इनपुट डेटा की डिफाइन कर देते हैं शुरू में ही ताकि बाद में आप उनको क्रिएट कर सकें और उनको कंपाइल कर सकें मॉडल को. थर्ड नंबर पे आता है स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल. सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल्स पे काम करता है. सो ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड मॉडल्स होते हैं. चलिए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं. जिस तरह MLP की बात कर रहे हैं तो इसमें एक इनपुट है जो कि आगे डिफरेंट लेयर्स में जा रही है. सो और ये बिल्कुल सीक्वेंशियल की तरह काम कर रहा है. सो इसको स्टैंडर्ड नेटवर्क मॉडल भी कहते हैं और यहाँ पे CNN है जहाँ पे आप उसको एक इनपुट दे रहे हैं और उसके बाद वो कॉन्वोल्यूशंस conv2d में जा रहे हैं, मैक्स पुलिंग और दूसरी लेयर conv2d सीक्वेंस में ही जा रहा है और मैक्स पुलिंग दोबारा कर रहा है और उसको फ्लैटन करके डेंस फर्स्ट डेंस लेयर देन सेकंड डेंस लेयर देन दैट्स आउटपुट. सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू सीक्वेंशियल मॉडल. सो लेट्स गो टू द फोर्थ वन, शेयर्ड लेयर मॉडल. multiple layers can share the output from one layer. For example, there may be multiple different features extraction from an input or multiple layers used to interpret the output from feature extraction layer. Okay, so shared input or shared features extraction layer. ये अगर आपके पास multiple inputs हैं, so it will share the input load. So let's see in here. Like if it's input 1, so there are two layers that are taking this input 1, conv2d1 and conv2d2. दोनों एक ही input ले रहे हैं और उनको उन पे कॉम्प्यूटेशंस जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उन दोनों को फ्लैटन करके कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं. दैट्स हाउ यू कनेक्ट टू लेयर्स विद ईच अदर. यू हैव टू कॉन्कैटिनेट दैम. तो उसके बाद टेंस और दूसरा सेकंड टेंस अप्लाई कर रहे हैं. सो सेम गोज़ फॉर द शेयर फीचर एक्सट्रैक्शन जहाँ पे आपके फीचर्स एक्सट्रैक्शन को वो शेयर कर रहे हैं. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स जिस तरह आप एक लेयर है LSTM की लेयर यूज़ कर रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं डिफरेंट डेंस लेयर्स में. इनपुट एक ही था लेकिन आगे जाके आपने दोनों लेयर्स को एक ही लेयर के फीचर्स को प्रोवाइड किया जो कि बाद में जाके आगे भी जाके कॉन्कैटिनेट करके एक ही आउटपुट की फॉर्म में शो किया. Multiple input-output models. The functional API can also be used to develop more complex models with the inputs, possibly with different modalities. It can also be used to develop models that produce multiple outputs. So multiple input and multiple output models work the same way as functional models. Like there can be multiple inputs and outputs as well, and there can be multiple layers and multiple models. So when you go for the multiple models, that goes in like really complex model, but yes, that's a type of model in Keras. So ये था आज का tutorial. I hope आप सबको समझ आ गई होगी. Thank you.